आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आप एज ए स्टूडेंट अपनी सिचुएशन को पहचान सकें और उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकें कि आपको आगे फर्दर क्या करना है जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस अचीव हो। तो इसको हम लोग एक मैट्रिक्स की मदद से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप पहचान पाएंगे कि आप किस खांचे में फिट होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो सभी लोगों के लिए एक ही स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें इफेक्टिव होती हैं। जैसे पढ़ने के तरीकों में कई लोग किताब से बड़ा अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, कई लोग टीचर्स की बात बहुत अच्छी समझ लेते हैं, कई लोग यूट्यूब से बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, कई लोग डिस्कस करके अच्छा पढ़ लेते हैं। तो अलग अलग तरीके अलग अलग लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे हम पहचान सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स बनी हुई है, बनाई है मैंने, जिसमें एक वाई एक्सेस जिसे आप बोलते हैं, ये वाई एक्सेस पे मैंने दिखा दिया है कमिटमेंट। यानी यहाँ जीरो है कमिटमेंट, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे इसका कमिटमेंट काफ़ी बढ़ता जाएगा। कमिटमेंट का मतलब क्या? कमिटमेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिबद्धता। अगर ये समझ में ना आए तो समझ लीजिए ठान लेने की। जैसे सलमान खान ने बोला था एक पिक्चर में ना, जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी वो कर दी, उसके बाद मैं खुद की नहीं सुनता। मतलब जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर कुछ नहीं, डिसाइडेड तो डिसाइडेड वाला कमिटमेंट। और एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस में शुरुआती दौर है, यानी पे यहाँ पर कॉम्पिटेंसी जीरो है, और जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे बढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बढ़ती जाएगी। क्या मतलब है कॉम्पिटेंसी का? करने की क्षमता, किसी काम के करने की स्किल्स, क्षमता कैसे हैं आपके पास। तो इसी के ऊपर मैंने चार ब्लॉक्स बनाए हैं जिनके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसमें क्या चीज़ें होंगी तो हम कैसे फिट हो रहे होंगे। देखिए, हम पहली सबसे बड़ी बात करते हैं जिसका हाई कमिटमेंट लेवल है। ये देखिए हाई कॉम्पिटेंसी लेवल है, पहले मैंने एक्स वाली बात लिखी फिर वाई की लिखी है, जिसे हाई कॉम्पिटेंसी लेवल है और हाई कमिटमेंट है, दोनों हाई है। दोनों हाई होने का मतलब क्या है कि उसके पास किसी काम को करने की, यानी पढ़ाई की बात अगर हम करें तो पढ़ाई की करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, और अपने आप में उसने ठान भी रखा है कि मुझे 100 में 100 लाने हैं। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे 100 में 100 लाने हैं, और वो काबिल स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है ऑलरेडी, वो लाता है हर बार, तो उसके बड़े चांसेस हैं कि जब रिजल्ट आएगा क्लास 12th का, 11th का, 10th का, 9th का, किसी क्लास का, तो वो टॉपर ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको कहना नहीं है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो रिविजन इंपॉर्टेंट है, वो उसको बराबर करता रहेगा। कमिटमेंट से क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी नई चीज़ पढ़नी हो या पुरानी चीज़ रिवाइज करनी हो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे आज ये टॉपिक ख़त्म करना है, मुझे कल ये टॉपिक ख़त्म करना है, मुझे इस तरह बढ़ते रहना है, और बराबर पढ़ाई में कितने घंटे लगाने, कैसे लगाने, वो अपने आप कर लेता है। तो ये सेगमेंट हो गया टॉपर्स का। लेकिन अधिकतर हमारे दोस्त इन टॉपर्स के रीजन में फॉल नहीं कर पाते, दोनों चीज़ें उनके अंदर तगड़ी तरीके से नहीं हो पाती। अधिकतर हम लोग जो स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मैं जो देखता हूँ उसमें दो तरह के स्टूडेंट्स अधिकतर मिलते हैं। 75% जो खेमा है वो या तो इधर आता है या फिर इधर आता है। तो आखिर ये दोनों ब्लॉक्स, दोनों सेगमेंट्स हैं क्या? तो पहली बात हम करते हैं इसकी, जहां पे बात करते हैं हाई कॉम्पिटेंसी लेवल है लेकिन लो कमिटमेंट है। देखिए नीचे आ गया ना, तो ये लो हो गया, लो कमिटमेंट। हाई कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि उसके पास दिमाग बहुत अच्छा। पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बेटे के पास, बेटी के पास दिमाग बहुत बढ़िया है मेरी बेटी का, लेकिन पढ़ती नहीं। मेरे बेटे का दिमाग बहुत टैलेंटेड है सर, एक बार में समझ लेता है, मोबाइल दे दीजिए तो मोबाइल पूरा कहां से कहां आधे घंटे में सब समझा देता है मुझे, लेकिन ये पढ़ता नहीं। तो ये वाला खेमा है कि आपके पास करने की क्षमता तो बहुत है, बहुत दिमाग है आपके पास, ब्रेन अच्छा है, लेकिन इशू क्या है कि कमिटमेंट की कमी है पढ़ाई में। यानी आपको हमेशा ठेलना पड़ता है, मम्मी ठेल रही हैं पढ़ाई के लिए, पापा ठेल रहे हैं पढ़ाई के लिए कि बेटा अभी पढ़ने बैठ जाओ, एग्जाम आने वाले हैं, रिविजन करो। टीचर ठेल रहा है, बोल रहा है तुम पढ़ते नहीं हो यार, इतना बढ़िया दिमाग है तुम्हारे पास फिर भी यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये वाला सेगमेंट है जहाँ पे हमारी क्षमता तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हम लोग कमिटेड नहीं, पढ़ाई को लेके कमिटमेंट का लेवल कम है। तो इसमें बहुत बच्चे फॉल करते हैं। तो ये जो अगर यहाँ पे फॉल कर रहे हैं तो हमको क्या बढ़ाने की ज़रूरत है? हमें कमिटमेंट लेवल बढ़ाने की, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल तो है ही, दिमाग तो ईश्वर ने और आपने अपने प्रैक्टिस कर करके दिमाग को तो बहुत ही
अच्छा कर लिया है, लेकिन अपने में जोश की कमी है, अपना एकदम दिमाग ये नहीं कि मुझे ये कर दिखाना है। तो इसको कर दिखाने के लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं, ये छोटे से कुछ एक्शंस मैंने लिखे हैं कि अगर इसको इम्प्रूव करना है लो कमिटमेंट को, तो आप अपने आप को एज ए विनर सोचें, आंखें बंद करें और देखें कि ट्वेल्थ में आपके 97% आ गए, फील करें, हड़बड़ाएं ना कि मेरे नहीं आ सकते, अरे आप ही क्या आएंगे, बच्चों के ही आते हैं, इंसान ही होते हैं जिनके आते हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखें जो सक्सेस की बात करते हैं, जो कुछ कर्ज गुजरने की बात करते हैं, एक्शन ओरिएंटेशन की बात करते हैं। दूसरा देखिए ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज, जो बड़े अच्छे लोग रहे हैं, बड़े महान लोग रहे हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। आजकल नेट आने से बहुत आसान हो गया है, ये पॉजिटिव थॉट्स देंगे और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा को प्रबल करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के बीच रहें, जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे बड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा कोर्स है, कैसे करेंगे, मुश्किल है, उनसे थोड़ा बचें, हो सके तो उनकी मदद करें कि नहीं आप कर सकते हो, लेकिन अपने में ये चीज़ इम्बाइब करें, अपने में ये चीज़ लेके आएं। तो जब इन बातों को आप सोचेंगे कि मुझे करना है, सोचेंगे कि मैं एज ए विनर हूँ, मैं लाइफ में बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में कमिटमेंट बढ़ेगा। आप ये जब सोचेंगे कि मुझे करना है, अच्छी बातें सुनेंगे, तो दिमाग में ये मजबूती आएगी, और जब ये लो कमिटमेंट की चीज़ हाई कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगी, तो हाई कॉम्पिटेंसी तो था ही, तो ठेलना पड़ता है कि जगह नहीं होगा, आप खुद ही ठेल जाएंगे। और इस सेगमेंट से कहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ से आप चले जाएंगे इस तरफ, यानी आप बन जाएंगे टॉपर। तो आप बन सकते हैं, आपके पास वो काबिलियत है, क्योंकि आपके पास वो दिमाग है, बस चाहिए क्या, हाई कमिटमेंट लेवल, जो यहाँ से आपको मिलेगा, अच्छी बातें सोचने से मिलेगा। अच्छा, अब बहुत सारी जनता हमारी इधर भी आती है, स्टूडेंट्स जो हैं इस खेमे में, जिसमें क्या होता है कि जिसमें लो कमिटमेंट होता है, लो कॉम्पिटेंसी लेवल होता है, क्षमता थोड़ी कम होती है, लेकिन हाई कमिटमेंट होता है, वो लगे रहते हैं, बच्चे दिन भर पढ़ाई में जुटे हुए हैं, दिन भर जुटे हुए हैं, दिन भर जुटे हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जुटे होने का मतलब मैं सच्चाई से जुटे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप को नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप जुटे हैं, वरना किताब खुली है, आप मनी मन सोच कुछ और रहे बैठे हुए, वो चीज़ नहीं, आप जुटे हुए हैं मन से, लेकिन आपसे सवाल बन नहीं रहे, क्योंकि क्या है, कॉम्पिटेंसी लेवल कम है, क्षमता, इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन हिम्मत ना हारें, क्योंकि आप कर ही लेंगे। देखिए, बहुत अच्छा दिमाग होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत तगड़ा मेहनती होना उस कमाल की बात है। आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, जो ब्रेनी रहे हों, अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो ऐसे अचीवमेंट्स ना हुए होते। किसी का भी ले लें, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लें, जो इतना टैलेंटेड रहा है अपने जीवन में, लेकिन क्या उसने प्रैक्टिस नहीं की, डेली प्रैक्टिस की क्रिकेट खेलने की, तभी वो इतना सफल हो पाया। आज विराट कोहली हैं, क्या विराट कोहली प्रैक्टिस नहीं करते हैं? तो देखिए, आप जुटे रहें, आप लगे रहें, और जहां जहां आपको कमी लगती है कि सवाल क्यों नहीं बन रहा, उसको टिक करें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, आप मेरे चैनल में कमेंट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा मैथ फिजिक्स के लिए। तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें और लगे रहें, लेकिन छोड़े नहीं, क्योंकि जो छोड़ता नहीं है जीतता वही है, नेवर गिव अप। आप लगे रहें, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उसको खींच के निकालें, और आप सक्सेसफुल बनेंगे। आप कोशिश करेंगे, आप लगे रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ज़रूर आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, आप खुश होंगे रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, एक चौथा सेगमेंट भी है जहां पर लो कमिटमेंट आता है और लो कॉम्पिटेंसी आता है, यानी क्षमता भी नहीं है करने की और इच्छा उससे ज़्यादा नहीं है करने की, कि पापा से मम्मी से बोलते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, पापा से बोलते मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरी समझ में मैथ्स नहीं आती, मेरी समझ में फिजिक्स नहीं आती, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मुझे पढ़ना ही नहीं है। अब मम्मी पापा के सामने ये सिचुएशन खड़ी होती है कि आपको 10th में 11th में 12th में पढ़ाई तो नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है सोसाइटी का, जिसमें यह कहा नहीं जा सकता कि मेरा बेटा या बेटी 10th पास, उसके बाद पढ़ाई उसने नहीं की, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग अनपढ़ ही रहे और कमाल के काम किए, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है। तो आप इतनी पढ़ाई कर लें जितना पास होने भर की, कोई बात नहीं, और उसके बाद आपके दिल में जो है, जिस लाइन को डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड चूज सम अदर लाइन, यानी पढ़ाई का रास्ता आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा भी नहीं और उसमें आपकी क्षमता भी नहीं है, तो मम्मी पापा से डिस्कस करें, और जो मन में आपके विचार है, जहां आपका जुनून है,
वो काम भर का पासिंग मार्क्स ले लें और उसके बाद उस रास्ते पे चले जाएं जिस रास्ते में आपका दिल लगता है, जहाँ पे आपका पैशन है, उम्मीद है वहाँ आप कमाल कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पैशन के बाद भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किसी भी रास्ते को चुनें, कोई पैशन वाला आप लाइन पकड़ें, लेकिन वहाँ पे आप मन माफिक तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। जो लगा रहेगा वही जीतेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।